फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी मैथ क्लासेस में। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो छात्र डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, वे कैसे जो है कि बगैर किसी साइबर कैफ पे जाने से भी अपने जो है कि सामर्थ्य पोर्टल पर अपना अकाउंट जो है कि लिंक कर सकते हैं, अर्थात अपना जो फॉर्म फिलअप करना उनको एग्जाम से पहले जो है कि सामर्थ्य पोर्टल पर जा करके अपने आप को रजिस्टर्ड करना वो कैसे कर सकते हैं देखते हैं। प्रिय विद्यार्थी, नीचे दिए गए निर्देश का पालन करते हुए आप अपना रजिस्ट्रेशन सामर्थ्य पोर्टल पर सुनिश्चित करें। आप सभी छात्रों को, जिन भी छात्रों को सामर्थ्य पोर्टल पर जो है रजिस्ट्रेशन करना है, आपको बिल्कुल आसानी से यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले आपको अपने जो है कि आपका जो फॉर्म ओपन करेंगे यहाँ पे, सर्वप्रथम नीचे दिए गए लिंक पर आपको क्लिक करना होगा, STPP RMLU सामर्थ्य पोर्टल EDU IN पे, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से उसकी वेबसाइट आएगी। यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डालने के लिए आपके कहेगा और यहाँ पे लॉगिन वाला ऑप्शन आएगा। अगर आप जो है कि लॉगिन नहीं करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आप अगर जो है रजिस्ट्रेशन नहीं किए हुए हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर, अब तीसरा स्टेप में आपको करना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो है मेन वेबसाइट इसकी ओपन होगी। तो इसके बाद आपको क्या करना होगा, जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आपको दाहिने साइड वाली स्क्रीन दिखेगी, यहाँ पे दाहिने साइड पे आपको स्क्रीन दिखेगी। अब आपको अपना प्रोग्राम जैसे BA BSc BCOM आदि सिलेक्ट करना होगा। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट प्रोग्राम में BA BSc BCOM MA MSc MCOM BBA BCA जिस भी कोर्स के लिए आप जो है कि सामर्थ्य पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ से उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। और उसके बाद अपना नाम, जैसे यहाँ पे नाम अगर अमन पांडे है तो अमन पांडे यहाँ पे दर्ज करना है। इनरोलमेंट नंबर, आपको जो इनरोलमेंट नंबर या जो है आपको जो है अपना जो है वो क्या नाम होता है, रोल नंबर, ठीक है। इनरोलमेंट नंबर अगर नहीं है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो रोल नंबर डाल करके यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद कैप्चर कोड दिखेगा, कैप्चर कोड यहाँ डालने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टेप नंबर 4-3 आएगा। स्टेप 4 में क्या, 3 में क्या करना, सबमिट करने के पश्चात आपको दाहिने साइड वाली स्क्रीन दिखेगी। आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरकर सबमिट करने पर क्लिक करें। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर और आपको जो आपकी वैध ईमेल आईडी हो इसको जो है यहाँ पे लिख करके सबमिट वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। इसके बाद आगे आपको क्या करना होगा, स्टेप नंबर 4 आएगा। स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है, यहाँ से स्टेप 4 में सबमिट करने के पश्चात आपको दाहिनी साइड वाली स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे आपको दाहिनी साइड स्क्रीन दिखेगी, सबमिट करने के पश्चात ईमेल पर OTP प्राप्त होगा। प्राप्त OTP को दिए गए बॉक्स में भरना होगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको जो ईमेल आईडी पर आपके एक OTP जाएगा, OTP जो है कि यहाँ पे फिलअप करना, उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक करना है। आगे आपको स्टेप नंबर 5 आएगा। स्टेप नंबर 5 में आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट करने के पश्चात आपको दाहिनी साइड वाली स्क्रीन दिखेगी। अब आपको एक पासवर्ड बनाना है और दोनों बॉक्स में से पासवर्ड भरकर सबमिट कर क्लिक करें। यहाँ पे आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है और पासवर्ड दोनों कॉलम में फिलअप करना होगा। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद स्टेप नंबर 6 आएगा। स्टेप नंबर 6 में आपको क्या करना है, यहाँ से तो यहाँ से सबमिट करने के पश्चात आपको दाहिने जो है कि आप पश्चात आपको दाहिने साइड वाली स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, आपको अपने यूजर नेम और पासवर्ड भर करके लॉगिन करना होगा। यहाँ पे आपको अपना जो है, यहाँ पे आपको इनरोलमेंट नंबर, अर्थात यहाँ पे आपको यूजर नंबर, जो आपको यूजर नंबर वहाँ पे मिला था वो वाला, और यहाँ पे पासवर्ड डाल करके जो है आपको पुनः लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के पश्चात जो है आपको फॉर्म जो है लॉगिन हो जाएगा। यहाँ से इसके बाद जो है कि लॉगिन करने के पश्चात आपको दाहिने साइड वाली स्क्रीन दिखेगी। आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जो है दाहिने साइड पर आपको, उसके बाद आपको आगे क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 8 आएगा। स्टेप नंबर 8 में आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रीन क्लिक करने के पश्चात आपको दाहिने साइड वाली स्क्रीन दिखी। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखना है। आपको यहाँ पे जो आपका ये सामर्थ पोर्टल पर जो रजिस्टर्ड हो चुका है, आपको इसको स्क्रीनशॉट इस पूरे का ले लेना है, ठीक है। इसका पूरे का स्क्रीनशॉट लेकर के आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड, जो पासवर्ड बनाया है भविष्य के लिए सुरक्षित रखना होगा। आपको जो आपने पासवर्ड बनाया है, कोई ऐसा पासवर्ड बनाइए जो आपको जो है कि हमेशा याद रहे, और यूजर नेम आपको हमेशा जो है उसको रखना, जिससे आपके भविष्य में किसी भी तरह का कोई भी चीज़ आए अपडेट तो वहाँ से मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सामर्थ्य पोर्टल पर बिल्कुल आसानी से जो है इस तरीके से आप अपना रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और आप सभी साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको सामर्थ्य पोर्टल पर रजिस्टर्ड करने में अपने आप को दिक्कत महसूस हो रहा है तो आप सभी छात्र जो है कि 9935-9961-95 पर जो है आप व्हाट्सएप के थ्रू जो है कि कोई भी जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप के थ्रू जो है कि यहाँ पे मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सभी साथ चैनल पर पहली बार आए हुए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड में कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप सभी छात्रों को समय समय पर दिया जाता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।